हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सुबह खाली पेट गीलोय रस पीने के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, गीलोय रस एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ डायबिटीज, स्ट्रेस, पीलिया, गठिया और सर्दी खांसी जैसे असाध्य रोगों में इसे काम में लिया जाता है। दोस्तों, गीलोय रस में बहुत ही अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और केसरोधी गुण होते हैं जो बुखार और सर्दी खांसी के लिए फायदेमंद होते हैं। इसका सेवन से कई तरह की स्वास्थ्य समस्या जैसे इन्फ्लेमेशन, सूजन, रक्त शोधन या दर्द आदि से छुटकारा पाने के लिए इसे काम में लिया जाता है। इसका सेवन आपको सुबह खाली पेट 3 चम्मच हल्का गुनगुना पानी के साथ आपको करना चाहिए। गर्भ अवस्था में या फिर स्तनपान कराने वाली जो भी महिलाएं हैं, इनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रॉनिक फीवर यानी पुरानी बुखार है तो इसे ठीक करने हेतु इसे उपयोग में लिया जाता है। इसके लिए गीलोय के तने और पत्तियों को उपयोग में लिया जाता है। इसमें एंटीपायरेटिक, बुखार को ठीक करने वाला, एंटी मलेरियल यानी मलेरिया इन्फेक्शन को दूर करने वाला प्रभाव पाया जाता है। गीलोय रस का सेवन से क्रॉनिक कफ यानी पुरानी खांसी को भी यह ठीक कर सकता है। इसका सेवन के लिए गीलोय की पत्तियों का रस में हल्दी, दालचीनी, लौंग डालकर इसका काढ़ा बनाएं, फिर इसमें शहद डालकर चाय की तरह पीने से आपको फायदा मिलता है। डायबिटीज की समस्या होने पर आपको गीलोय रस का सेवन जरूर करना चाहिए। गीलोय रस में मौजूद एंटी हाइपर ग्लाइसेलिक यानी ब्लड शुगर को कम करने वाला प्रभाव में यह बहुत ही फायदेमंद होता है। यही कारण है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाकर ब्लड शुगर को यह नियंत्रित करता है। गीलोय रस का सेवन से पाचन शक्ति के लिए इसे सहायक माना जाता है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होने के कारण इसकी अधिक मात्रा से पेट से संबंधित जलन और गैस की समस्या बन सकती है। बेहतर यही है कि आप इसे सेवन से पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।